दोस्तों अगर आपने Redmi 9 Power के गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ताकि जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारे पास अवेलेबल है Oppo का A15 एंड Vivo का Y20 स्मार्टफोन जो कि हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुआ है, और देख लेते हैं क्या कुछ स्पेक्स हमें Y20 में देखने को मिल जाते हैं और क्या कुछ स्पेक्स हमें Oppo के A15 स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं, और दोनों में क्या कुछ डिफरेंस, और दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की तो बैक लुक है काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के चारों तरफ जो कैमरा के चारों तरफ जो हमें सिल्वर कलर की रिंग देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन की लुक को और भी ज़्यादा इनहेंस कर देती है। और यहाँ पर बैक लुक तो आप देख ही सकते हैं दोनों स्मार्टफोन्स बैक से हमें बिल्कुल ग्लास फिनिश लुक देते हैं। और यहाँ पर अगर हमें एक स्मार्टफोन को यहाँ पर चूज करना हो तो मैं यहाँ पर Y20 को पसंद करता हूँ, बिकॉज यहाँ से आपको जो बैक लुक है काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम यहाँ पर फीलिंग देता है जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप दोनों स्मार्टफोन्स में एंड एक LED फ्लैश लाइट आपको देखने को मिल जाती है। ओप्पो के स्मार्टफोन में आपको जो फिंगरप्रिंट बैक साइड देखने को मिलता है, जबकि आपको Y20 में जो फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिलता है। और यहाँ पर फ्रंट डिस्प्ले तो हमें सेम देखने को मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन्स में, आपको जो कैमरा है स्क्रीन के मिडल में देखने को मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन्स में आप देख सकते हैं हमें कोई भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, हमें यहाँ पर एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपको सेकेंडरी माइक देखने को नहीं मिलता दोनों स्मार्टफोन्स में। आई थिंक इस प्राइस बजट में एक सेकेंडरी माइक होना ही चाहिए स्मार्टफोन्स में या किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन हो। तो बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के सेटअप से, तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन्स की काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और एक काफ़ी ज़्यादा बैटरी यहाँ पर डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो ओप्पो में आपको 6.52 इंच का एंड Y20 में आपको जो स्क्रीन साइज है 6.51 इंच का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स का जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का हमें HD+ देखने को मिलता है, और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में हमें एक नॉर्मल 60Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है। आप यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं तो स्पीड को मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी ओप्पो की स्पीड, जैसे कि आप देख भी सकते हैं अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है यहाँ पर ओप्पो के स्मार्टफोन की स्पीड। और यहाँ पर डिस्प्ले लगभग सेम है दोनों स्मार्टफोन्स की। तो बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के यूजर इंटरफेस से, आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन्स को अगर आप स्लाइड डाउन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और अभी हम सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स का जो OS है लगभग सेम है, और यहाँ पर क्या कुछ डिफरेंस OS में हम अभी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन्स का जो OS है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और यहाँ पर Y20 स्मार्टफोन में हमें फ्रंट टच OS 11 एंड Android 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक लेटेस्ट OS है Android की तरफ से एंड Vivo के फ्रंट टच की तरफ से भी। और यहाँ पर Oppo के स्मार्टफोन में हमें Android 10 एंड कलर OS 7.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर Oppo ने भी अपना एक न्यू कलर OS 11 लॉन्च किया है, बट हमें यहाँ पर ओनली कलर OS 7.2 अभी देखने को मिलता है Oppo के स्मार्टफोन में। तो यहाँ पर दोस्तों एक काफ़ी आपको एक लेटेस्ट OS Oppo के स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है, जबकि आपको Vivo के स्मार्टफोन में एक लेटेस्ट OS एंड फ्रंट टच OS 11 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों नो डाउट जो यूजर इंटरफेस है काफी ज्यादा बेटर है Vivo के स्मार्टफोन का। तो बात कर ली जाए दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप से, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर सेटअप है दोनों स्मार्टफोन में। आपको मेन कैमरा 13MP 2MP मैक्रो एंड 2MP पोर्ट्रेट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर Y20 स्मार्टफोन में आपको फ्रंट कैमरा 8MP का एंड Oppo के A15 स्मार्टफोन में आपको फ्रंट कैमरा 5MP का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों बैक कैमरा ऑन पेपर सेम है, बट यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है काफ़ी ज़्यादा बेटर है ऑन पेपर Vivo के स्मार्टफोन का। तो मैंने अभी कुछ फोटोज क्लिक की हैं, अभी हम उनको कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स का जो कैमरा है बेटर वर्क करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हम स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट कैमरा से। ये फोटो मैंने कैप्चर किए दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा के साथ, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने जो ब्राइटनेस लेवल है सेम रखा हुआ है दोनों स्मार्टफोन्स का। और अगर मैं क्लियरिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें कोई भी ज़्यादा बेटर क्लियरिटी दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आपको लगभग सेम सी ही क्लियरिटी दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप फोटो को जूम करते हैं तो आप पिक्सल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, आप देख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट फोटो की बात करते हैं जो कि मैंने कैप्चर किया पोर्ट्रेट मोड के साथ, और यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर ओप्पो के स्मार्टफोन का बैकग्राउंड देख भी सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्यूरेट ब्लर हुआ है, एज डिटेक्शन दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोटो की, जो कि मैंने कैप्चर किए दोनों स्मार्टफोन्स के 13MP के कैमरा के साथ। और अगर क्लियरिटी की बात की जाए तो नो डाउट दोस्तों जो क्लियरिटी है बेटर है ओप्पो के स्मार्टफोन के, आप देख सकते हैं बैक कैमरा के साथ। तो नेक्स्ट फोटो की अगर बात की जाए जो कि मैंने कैप्चर किए दोनों स्मार्टफोन्स के 4x जूम के साथ, यहाँ पर मैंने ओप्पो में 5x जूम किया है एंड Vivo में मैंने 4x जूम किया है, बिकॉज यहाँ पर Vivo में हाईएस्ट जूम 4x ही होता है।
Y20 स्मार्टफोन में। तो नो डाउट यहाँ पर दोस्तों जो जूमिंग लेवल है काफी ज्यादा बेटर है ओप्पो के स्मार्टफोन का, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। वीवो की अगर आप फोटो को जूम करते हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पर एक बेटर व्यू नहीं दिखेगा, जबकि आपको ओप्पो के स्मार्टफोन में एक काफी ज्यादा बेटर व्यू देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट दोस्तों जो कैमरा सेटअप है काफी ज्यादा बेटर है ओप्पो के स्मार्टफोन का। तो बात कर ली जाए दोनों स्मार्टफोन के यूजर एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो अभी बात कर लेते हैं प्रोसेसर्स। आपको जो है प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन्स का किसका बेटर देखने को मिलता है, तो आपको वीवो के स्मार्टफोन में Y20A में 1.95 GHz का Snapdragon 439 का ऑक्टाकोर CPU देखने को मिलता है, जबकि आपको यहां पर Oppo के स्मार्टफोन में MediaTek के लिए P35 का ऑक्टाकोर CPU देखने को मिलेगा 2.0 GHz का। तो यहां पर दोस्तों एक बेटर है चिपसेट Oppo का, बिकॉज Helio P35 एक काफ़ी ज़्यादा बेटर CPU अगर आप कंपेयर करते हैं Snapdragon 439 से। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं जो आपको परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलने वाली है Oppo के स्मार्टफोन में। तो अगर बैटरी एंड चार्जिंग की भी बात की जाए दोनों स्मार्टफोन्स में, आपको माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट एंड दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 10 वोट का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो बैटरी आपको वीवो के स्मार्टफोन में 5000 mAh की एंड ओप्पो के स्मार्टफोन में 4230 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट यहाँ पर जो बैटरी काफ़ी ज़्यादा बेटर है वीवो के स्मार्टफोन की, आपको यहाँ पर 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको बैटरी में जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात कर ली जाए दोनों स्मार्टफोन्स के रैम रोम एंड प्राइजिंग की, तो यहाँ पर ओप्पो के स्मार्टफोन में 332 वेरिएंट में 10,000 एंड ओप्पो ने यहाँ पर अपना एक नया वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च किया है ओप्पो का A15s जो कि 464 है एंड वो हमें देखने को मिल जाता है 11,500 का। एंड Y20A में हम एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 364 जिसकी जो प्राइसिंग है वो है 11,500। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर अगर आप ओप्पो का 464 वेरिएंट परचेज करते हैं ऑफलाइन मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट अगर आप कंपेयर करते हैं Y20A स्मार्टफोन से, बिकॉज वहाँ पर आपको जो चिपसेट है एंड जो कैमरा क्वालिटी है काफी ज्यादा बैटरी यहां पर देखने को मिल जाती है। बट यहां पर वीवो के स्मार्टफोन में आपको जो बैटरी थोड़ी सी ज्यादा एंड जो लुक है थोड़ी सी बैटर देखने को मिलती है। तो यहां पर दोस्तों ये है दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस, होप कि आपको जो कंफ्यूजन है दूर हो चुका होगा। दोनों में से आपको जो फीचर दोनों स्मार्टफोन में बेस्ट लगते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक कंपेरिजन वीडियो दोनों स्मार्टफोन को लेकर, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।